भैया और यस किचन एंड ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रेसिपी है वो एक स्नैक्स की रेसिपी है जो कि है पोहा कटलेट, जो कि बहुत इजी स्नैक रेसिपी है जिसे आप झटपट से कभी भी बना सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी डालकर दे सकते हैं या पार्टी स्टार्टर के लिए बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, जब भी आप बनाना चाहें इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके जो रोल्स हैं इसे पहले भी तैयार करके रख सकते हैं फ्रिज में और नेक्स्ट डे आप इसे फ्राई करिए और बन गए। तो देखिए कैसे बनाते हैं पोहा कटलेट। सब्सक्राइब कीजिए रियाज किचन एंड ब्लॉग्स को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। पोहा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल यहाँ पर पोहा लिया है जिसे मैंने पानी में अच्छे से भिगो दिया है। इसे 3-4 बार धो लेंगे और इसे भिगो देंगे। लगभग 5 मिनट के लिए इसे भिगोना है जिसमें ये सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। अब इसका पानी सारा ड्रेन करके इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, बड़े बाउल में। इसके साथ ही इसमें 3 पोटैटो मैश्ड डाल देंगे। इसके साथ ही एक बड़ा कटा हुआ प्याज, फाइनली चॉप कर लेना है इसे। इसके साथ ही इसमें 2 हरी मिर्च ऐड करी है। इसके साथ ही बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/3 रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच के करीब ही इसमें ऐड कर देंगे आमचूर पाउडर। अब इसमें 1 चम्मच ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही इसमें 2 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर का और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाथों के पर तेल लगाएंगे और बना लेंगे इनको मनचाहे आकार में। मैंने इसे इस तरह से लंबा पतला बनाया है, आप चाहे तो इसे गोल भी बना सकते हैं, टिक्की की शेप भी दे सकते हैं। सब कटलेट्स को हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें रात को भी बनाकर रख सकते हैं अगर आप लंच ब्रेकफास्ट के लिए बनाना चाहते हैं या बच्चों के लंच के लिए बनाना चाहें तो इन्हें बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। फ्राई करते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे हम इसे डालेंगे इसके साथ ही डालते ही इसे हम कलछी वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये टूट सकते हैं। बहुत सावधानी से फ्राई करेंगे। जब ये हल्के पक जाए तो एक कलछी की सहायता से इनके ऊपर हल्का हल्का हम तेल डालेंगे ताकि ये ऊपर से भी हल्के पक जाए। अब इसकी साइड बदल लेंगे। साइड बदलने के लिए हम एक स्पून की हेल्प से इनकी साइड बदल लेंगे और अब हम इन्हें हर तरफ से अच्छे से पका लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब एक टिश्यू पर हम इन्हें निकाल लेंगे। एक्सेस ऑयल को हम अच्छे से निकाल लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे जो पोहा कटलेट है बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है इन्हें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट और सजेशन देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।